भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम सिंह लंबरदार ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की दिल्ली से घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन के क्रम में हजारों किसान 23 जनवरी को लखनऊ राजभवन के लिए मार्च करेंगे तथा 26 जनवरी को भारी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के किसान आंदोलन के साथ है, तकरीबन 150 किसान शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ सरकार किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही साबित करने पर लगी है। पूंजीपतियों के इशारे पर किसानों को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अपने अधिकारों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है किसान नेता लंबरदार ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ किसानों की ही नहीं है, हर उस इंसान की है जो खाना खाता है। खाद्यान्न पर पूंजीपतियों का एकाधिकार अगर हो गया तो पूरा देश भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। कृषि कानूनों का विरोध हर हाल में किया जाना चाहिए। प्रेस वार्ता में किसान नेता बलराम सिंह लंबरदार के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हरदत्त पांडे, मंडल अध्यक्ष बैजनाथ अवस्थी, बलराम तिवारी, कमल नयन सिंह, राजाबाई रामदास साहू, सुरेश जैन, संतोष सिंह आदि मौजूद रहे।